तो चलिए कंटिन्यू किया जाए माय राइस का गेम प्ले। और मुझे पता है कि फेल गेम फैमिली इस एपिसोड का बहुत इंतजार कर रही थी और मैं भी इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो इस गेम में कैरेक्टर है रॉकी, लास्ट एपिसोड में भाई थोड़ा सा कैरेक्टर लेस हो गया, क्योंकि पहले तो रॉकी जीएम मैंडीरोस के साथ उसका चक्कर चलने लगा, चलो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ड्रू मैकएंटायर ने इसको एक्सपोज कर दिया कि रॉकी का चक्कर चल रहा है लिव मॉर्गन, साशा बैंक्स और यहां तक कि नाया जैक्स के साथ भी रॉकी का चक्कर चल रहा है, और इसीलिए जीएम मैंडी रोज भड़क चुकी हैं और इसलिए मैंडी रोज ने भाई रॉकी को सजा दी। ये देख लो, मुझे एक ही रात में दो बार फाइट करना होगा, पहले तो ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ एक्सट्रीम रूल्स मैच में, और उसी रात फिर अपनी WWE चैंपियनशिप डिफेंड करनी होगी ड्रू मैकएंटायर के साथ। तो जब रॉकी जीएम मैंडी रोज के साथ इसका चक्कर शुरू हुआ था ना, यानी रॉकी का, तो यही काम मैंने ड्रू मैकएंटायर के साथ किया था। कोरी ग्रेव्स बोल रहा है कि वो मुझे पसंद करता है। हाँ भाई, कोरी ग्रेव्स की तरह भाई रॉकी भी ठरकी हो चुका है तो पसंद करेगा ही। ये देख लो बेचारा अकेले अकेले आ रहा है रॉकी। अच्छा, रॉकी जीएम यानी कि मैंडी रोज और इतनी सारी जो भी रॉकी की गर्लफ्रेंड थी सबने तो छोड़ दिया है, अब साथ में WWE चैंपियनशिप भी खतरे में, एक अब टाइटल ही तो बच गया है जिसने रॉकी का साथ नहीं छोड़ा है अभी तक। अच्छा, दो एपिसोड पहले क्या हुआ था याद है? रॉकी इंजर्ड होने के बाद 6 हफ्तों के लिए बाहर चला गया था WWE से। किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि भाई 6 हफ्तों का छुट्टी क्या मिला रॉकी को, रॉकी तो इमरान हाशमी बन के रिटर्न आया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो कमेंट, लेकिन रॉकी का कट चुका है भाई, सारी लड़कियों ने रॉकी का साथ छोड़ दिया है। देखो, रॉकी ने बदमाशी तो की थी इसमें, नो डाउट है, क्योंकि इतनी इतनी लड़कियों से चक्कर चलाएगा, और भांडा तो फूटना ही था, ड्रू मैकएंटायर ने भांडा फोड़ दिया है और अब उनको फायदा भी हो रहा है। अब ब्रॉन स्ट्रोमन मेरी चटनी बनाएंगे इस मैच में, और इसके तुरंत बाद मुझे ड्रू मैकएंटायर के साथ फाइट करना है, और मेरी हेल्थ जानी रहो, जैसे ड्रू मैकएंटायर की हेल्थ खत्म हो गई थी वैसी मेरी भी हेल्थ खत्म रहेगी, भले इस मैच में मैं अपनी कितनी भी हेल्थ बचा लूं उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेकंड मैच में मेरी हेल्थ ना के बराबर रहेगी, और वो मैच होगा WWE चैंपियनशिप के लिए, यानी कि इस मैच में मैं हारू जीतू उससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इस मैच में भेजा गया है पिटने के लिए भाई। देखो, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं ऊपर में, देख रहे हो ना, मैंडी रोज ने पूरा इंतजाम कर दिया है गुस्से में आकर कि मेरी WWE चैंपियनशिप चली जाए, लेकिन ऐसा मैं होने दूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि सारे टाइटल में जब रॉ में जीत लूंगा उसके बाद फिर स्मैकडाउन में जाऊंगा भाई, और अब सारे टाइटल अपने पास ही है, सिर्फ एक रॉ टैग टीम चैंपियनशिप नहीं है, बस एक बार रॉ टैग टीम चैंपियनशिप जीत लो उसके बाद सारे टाइटल अपनी मर्जी से छोड़ूंगा, हारूंगा नहीं एक भी टाइटल भाई, अपनी मर्जी से छोड़ूंगा, उसके बाद जाऊंगा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, जहां याद है ना 3 एपिसोड से बता रहा हूँ रोमन का राज चलता है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, गेम के अंदर भी, और क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स मैच है तो ब्रॉन स्ट्रोमन को भी सामान यूज कर सकते हैं, क्या लेके आ रहे हैं, चलो थैंक यू, जो भी लेके आ रहे हैं इसे ब्रॉन स्ट्रोमन ही को मारूंगा मैं। फैंस चिल्ला रहे वी वांट टेबल, अभी जस्ट मेरा इस मैच के बाद WWE टाइटल का मैच होने जा रहा है, ड्रू मैकएंटायर बहुत ही खुश होंगे भाई, ऐसे वैसे खुश होंगे, क्योंकि ड्रू के साथ मैंने एक दिन पहले ये वाला कांड किया था, ड्रू ने फाइट किया ब्रॉन स्ट्रोमन से, इसलिए ड्रू मैकएंटायर की हेल्प ना के बराबर थी ऑलमोस्ट, और मैं मैंडी रोज के साथ बड़ा स्टाइल में आया और आराम से हरा के चला गया था, आराम से नहीं एक्चुअली मेहनत लगी थी तब भी, लेकिन मैं जीत गया था, ड्रू मैकएंटायर के जीतने का चांस नहीं था। अब बस वही सेम चीज मेरे साथ होने वाला है, वो आदमी बोलता नहीं कर्मा, तो बस रॉकी को भी कर्मा मिलने ही वाला है जल्दी, लेकिन रॉकी को मैं हारने नहीं दूंगा भाई, पहले ब्रॉन स्ट्रोमन को तो पिनफॉल करवा लूं भाई, चलो ब्रॉन स्टंड है तो फिनिशर खा ही लेंगे, रिवर्स तो कर नहीं सकते हैं, ये बड़ा सही फिनिशर है, आप लोग ने मना किया कि इसको चेंज नहीं करूं मैं, सुपरमैन पंच विद स्पीयर, ऐसे आप लोग कमेंट करके बताना, कुछ नया लिया जाए क्या फिनिशर में, ब्रॉन स्ट्रोमन को लगातार 2 फिनिशर्स, टैप आउट अप कर देंगे ब्रॉन स्ट्रोमन, जहां तक मुझे लग रहा है रोप ब्रेक तो नहीं होगा भाई, 2 फिनिशर लगातार पड़ने के बाद भी टैप आउट नहीं कर रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमन, रोप ब्रेक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स मैच है, पिनफॉल ही कर दे रेफरी यार, पिनफॉल अब क्या होगा जब टैप आउट नहीं किया तो, हाँ मुझे लगा ही, क्योंकि जब टैप आउट नहीं किया तो फिर पिनफॉल क्या ही होगा, कोई बात नहीं, मेरे पास सिग्नेचर भी आ गया है और मेरी हेल्थ देख लो एक बार, फुल कर लिए ना, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, जब ड्रू मैकएंटायर के साथ इसके बाद मैच होगा ना तो ना के बराबर हेल्थ रहेगी, सिर्फ देखने लायक हेल्थ रहेगी। अच्छा फंसाया मैंडी रोज ने रॉकी, यार क्या किया मैंडी रोज के चक्कर में पड़ के ना, इस बार ही पिनफॉल हो जाएगा ब्रॉन स्ट्रोमन का, 2 फिनिशर 1 सिग्नेचर, इसके बाद भी ब्रॉन स्ट्रोमन हार मानने के लिए तैयार नहीं है, अरे ब्रॉन हार मान जाओ, इसके बाद ड्रू मैकएंटायर भी आने वाले हैं, प्लीज समझा करो, ब्रॉन मेरी हालत को समझ रहे नहीं है, एक तो इतनी इतनी लड़कियों ने छोड़ दिया है रॉकी को, ऊपर से WWE टाइटल भी खतरे में है, और इसके बाद आने वाले भाई स्कॉटिश वॉरियर क्लेमोर के क्ले के, उनको पता नहीं कैसे ही हराऊंगा, और वो मैच शायद एक्सट्रीम रूल्स नहीं होगा, नॉर्मल मैच है,
लेकिन वो तो मेरे लिए खतरा है, एक्सट्रीम रूल्स मैच होता तो मैं बाहर बाहर भाग जाता भाई, लेकिन वो नॉर्मली मैच होने वाला है। फिनिशर मत रिवर्स करना, बढ़िया। अब 110% पिनफॉल होना ही है, ये तीसरा है। रेफरी इस बार पिनफॉल नहीं हुआ, हथौड़ा तेरा सर। 1 2 3 अरे 3 रेफरी, रेफरी पागल हो गया भाई, रेफरी का सर तोड़ देना चाहिए। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन पे अभी ध्यान देना होगा। यार ये ब्रॉन हार क्यों नहीं मान रहे हैं? ड्रू मैकइंटायर भी आने वाले हैं इसके बाद। ब्रॉन स्ट्रोमन को तो हारना ही है, लेकिन इतना टाइम वेस्ट करवा रहे ना ब्रॉन स्ट्रोमन मेरा, वो तो हारना ही, इनको कौन बचाएगा भाई? सिग्नेचर फिनिशर मैं छीन लूंगा। रेफरी देख ले हथौड़ा, इससे तेरे को मार पड़नी चाहिए। वो तो रेफरी की किस्मत अच्छी है कि मैं जल्दी में हूँ, इसके बाद एक और मैच में फाइट करना है जो कि मेन मैच है। इस मैच में अगर मैं हार भी गया तो ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंस होने वाला है नहीं, लेकिन ये मैच मुझे हारना नहीं है। तो सब क्या बोलेंगे, मैंडी रोज ने छोड़ दिया इस सदमे की वजह से, रॉकी हार रहा है, तो ऐसा सब बोलने लगे भाई, इसलिए हारना नहीं अपने को। ब्रॉन स्ट्रोमन को होश आ गया, सिग्नेचर दे दिया ब्रॉन स्ट्रोमन ने। नहीं नहीं नहीं, सिग्नेचर नहीं दिया, मुझे लग रहा था सिग्नेचर है, लेकिन अब लगा दिया सिग्नेचर भाई। हाँ ये सिग्नेचर था ब्रॉन स्ट्रोमन का। एक फिनिशर भी आ गया स्ट्रोमन के पास, लेकिन स्ट्रोमन हैमरी से मेरी हड्डी तोड़ना चाहते हैं। स्ट्रोमन का काम ही है इस मैच में मुझे थका देना, यही मेन मकसद है ब्रॉन स्ट्रोमन का। इस बार अगर रेफरी पिनफॉल नहीं ना हुआ भाई, कसम से बहुत पीटूंगा रेफरी को। पिन कर जल्दी कर। फाइनली मेरी हेल्थ देख लो, लेकिन जब ब्रू के साथ मैच स्टार्ट होगा ना, तब हेल्थ नहीं रहेगी, ना के बराबर रहेगी। अभी ग्रीन बार है ना, अच्छी खासी हेल्थ थी, लेकिन इतनी रहने वाली है नहीं। अब होगा WWE चैंपियनशिप का मैच, और ये मैच ड्रू मैकइंटायर को इसीलिए मिला है, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने रॉकी को एक्सपोज कर दिया है, और रॉकी अपनी करतूतों के कारण इस मैच में फंस चुका है भाई। चलो ठीक है, फाइट करना। ओहो, मैंडी रोज को मनाने की कोशिश, रॉकी मनाने की कोशिश कर रहा है कि आज एक रात में दो मैच में फाइट नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंडी रोज ने बोल दिया नॉट अ चांस, और मुझे कूट के मारे ड्रू मैकइंटायर, और ड्रू मैकइंटायर को मजा आएगा मुझे कूट के मारने में। ठीक है, अब यही तो यही सही सेलिंग भाई, कोई एंट्रेंस नहीं, मैच स्टार्ट डायरेक्ट। लो भाई, क्या हो गया भाई, मैंडी रोज आके खड़ी हो गई है ड्रू मैकइंटायर के साइड में, ड्रू मैकइंटायर को सपोर्ट कर रही है, और मेरी हेल्थ देख लो, जैसा मैंने बोला था आधी हेल्थ दी है भाई, वो तो शुक्र है कि आधी मिली, वो भी नहीं मिलती, और ड्रू मैकइंटायर कूट रहे हैं जैसा मैंडी रोज इन्होंने वादा किया, और ये मैच हो रहा है WWE चैंपियनशिप के लिए, और ऑब्जेक्टिव है पिनफॉल या सबमिशन से जीत सकता हूँ। ड्रू मैकइंटायर सिर्फ उठा उठा के फेंक रहे भाई, ड्रू के साथ भी मैंने कांड किया था, देखो सच बात ये है कि ड्रू के साथ मैंने कांड किया था, तो ड्रू अपना बदला ले रहे हैं। टैप आउट मत कर देना रॉकी, रॉकी ने अभी तक एक बार भी टैप आउट नहीं किया है, और सॉरी ड्रू मैकइंटायर, आज भी वो दिन नहीं आएगा, टैप आउट तो नहीं करूंगा भाई, मैं टैप आउट तो नहीं किया मैंने, लेकिन हेल्थ भी कुछ खास बची नहीं है भाई। ड्रू मैकइंटायर को अब इतनी सी हेल्थ में हराना होगा। लास्ट टाइम याद है जब ड्रू मैकइंटायर की इतनी सी हेल्थ थी जितनी मेरी है, तो 5 फिनिशर लगाए थे ड्रू को, तब ड्रू हारे थे, और अब जब ड्रू की हेल्थ फुल है तो पता नहीं कितने फिनिशर लगाने पड़ेंगे, टेबल तोड़ना पड़ेगा ड्रू के ऊपर, तभी जीत सकते हैं ये मैच, वरना चांस ही नहीं है। ड्रू की जिस हिसाब की हेल्थ है, मुझे लगता है 6-7 फिनिशर लगाने पड़ जाएंगे भाई सब। अब इस मैच में पता नहीं और क्या क्या देखना है। चलो ठीक है, मैंने कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में, मेरे पास सिग्नेचर आ रहा है, और धीरे धीरे मैं रिकवर कर रहा हूँ भाई, अच्छा जा रहा है मैच, बस GM मैंडी रोज इंटरफेयर ना करे। कोई इंटरफेयर कर रहा है, अब क्या चाहिए भाई, कौन आ रहा है? ब्रॉन स्ट्रोमन, ले यार देख लिया ना GM का पावर। ओहो भाई साहब, बस यही बचा था, ब्रॉन स्ट्रोमन भी आ गए, मेरे कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे, अब जब तक ब्रॉन स्ट्रोमन मुझे मारेंगे नहीं, ओहो बस यही बचा था, उठा उठा के फेंकना बाकी था थोड़ा सा। अरे मैंडी रोज कितना उछल रही है भाई, देख रहे हो ना मेरी हालत अभी, पता है कैसी हो गई है, एक तो खाने के लिए नहीं था निवाला, ऊपर से ससुर ने भेजा साला, बस वही हाल हो गया भाई, हालत पतली हो गई है, और बची कुची कसर अब ब्रॉन स्ट्रोमन पूरी कर देंगे। लो मैंडी रोज ने भी आके मार दिया, तो ये 1-on-1 मैच 3-on-1 मैच बन चुका है भाई। ब्रॉन स्ट्रोमन ने रनिंग पावर स्लैम भी दे दिया मेरे को, मैंडी रोज खड़े होकर देख रही है, मैंडी रोज को बदला मिल गया, तो इससे क्या सबक मिलता है बच्चों? इससे यही सबक मिलता है, अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा मत दो। ओ लो भाई, अब मैंडी रोज थप्पड़ मारेगी, ये WWE की कहानी पूरी तरह से बन गई भाई, क्या बदला लिया मैंडी रोज ने, खतरनाक वाला बदला लिया है भाई, पंचेस लॉक एंड लोड कर रही है मैंडी रोज।
अभी भी 2-1 मैच है और मैंडिनोस पे मैं गलती से भी धक्का नहीं मार सकता। अगर रिवर्स भी मैंने मैंडिनोस के अटैक को कर दिया ना, तब भी मैच खत्म हो जाएगा, मैं हार जाऊंगा। मतलब मैं रिवर्स भी नहीं कर सकता हूँ मैंडिनोस के अटैक को। तो सबसे अच्छा आइडिया रिंग के अंदर जाऊं भाई, वो ज्यादा ये काम करता हूँ, टेबल तोड़ता हूँ मैंडी के सामने। हो सकता है मैंडी मुझे वापस अपना ले मेरे करेज को देख के। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। मैंडी ने लात मार दी भाई रॉकी को, लेकिन ठीक है, ड्रू मैकइंटायर पे हम लोग टेबल तोड़ेंगे ताकि ड्रू की हेल्थ पूरी खत्म हो जाए। बस मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मैंडी रोज इंटरफेयर ना करे। ड्रू मैकइंटायर के ऊपर टेबल तो टूटना बनता है। ड्रू इतने मजे ले लिए, इतने तो मैंने भी चीटिंग नहीं किया था मैच में। ड्रू के साथ जब मैच हो रहा था तो ब्रॉन स्ट्रोमन थोड़ी आए थे मैच में, और मैंडी रोज ने तो एक बार भी इंटरफेयर नहीं किया था, बस मेरे साइड में खड़ी हुई थी मुझे चीयर करने के लिए। लेकिन ड्रू के मैच में तो यार मेरे साथ पूरी दम तक चीटिंग हुई है भाई, तो इसलिए ये मैच तो मेरा जीतना बनता है। भले ही गर्लफ्रेंड चली गई, मार भी पड़ गई, मैंडी रोज ने हाथ तो साफ कर ही लिया, भले ही लातों से मारा, लेकिन ठीक है ना, बदला मिल गया ना मैंडी को। अब WWE चैंपियनशिप छोड़ दो मैंडी, मुझे ले जाने दो वापस। ड्रू अभी स्टंड है तो जितना चाहूं मार सकता हूं। ड्रू रिवर्स नहीं करेंगे, रिवर्स मत कर, अब रिवर्स कर सकते हैं। चलो ड्रू की भी हेल्थ कम कर ही दी है। ड्रू के पास सिग्नेचर भी आ गया है, मेरे लिए खतरा, रिंग के अंदर जाना खतरा है ना, लेकिन अपन रिंग के अंदर ही जाएंगे। आ जाओ ड्रू, आ जाओ, खत्म करते हैं चैप्टर, क्योंकि बाहर रहना ज्यादा खतरनाक है। मैंडी रोज ने अगर मारा और मैंने रिवर्स कर दिया, जो कि मेरी आदत खराब है, तो मैच खत्म हो जाएगा, मैं हार जाऊंगा, रेफरी मुझे डिस्क्वालीफाई कर देगा, तो इसलिए ज्यादा सेफ है मैं रिंग में रहूं। और देखो और कौन आता है भाई इंटरफेयर करने। मैंडी रोज अपना पावर का यूज करके देखो और किसको बुलाती है। और मेरा कोई दुश्मन है? एजी स्टाइल्स है, सेथ रॉलिंस भी है। फ्यूचर शॉक DDT पड़ गया, रॉकी हारेगा नहीं, सॉरी ड्रू सर, आज वो दिन नहीं है जब रॉकी हारेगा। क्लेमोर देने जा रहे हो क्या? क्लेमोर नहीं, हाँ क्लेमोर पड़ गया तब हार सकता भाई। सिग्नेचर से किकआउट कर भी दूं, लेकिन फिनिशर अब मुझे नहीं लग रहा किकआउट कर पाऊंगा, मेरे पास हेल्थ है नहीं, क्योंकि ड्रू को क्लेमोर नहीं देने देना है। सिग्नेचर फिनिशर लगाओ, मामला खत्म करो भाई। एक फिनिशर आ गया है, सिग्नेचर दूंगा, दूसरा फिनिशर आ जाएगा, पर अगर पहले मैं फिनिशर लगा देता हूँ ना तो ड्रू स्टंट हो जाएंगे, उसके बाद मैं सिग्नेचर भी दे पाऊंगा। इसके बाद एक और सिग्नेचर फिनिशर तो रहेगा ही। ड्रू ने रिवर्स नहीं किया है, रेफरी हट गया, अभी पिनफॉल नहीं करेंगे, ड्रू को होने वाला भी नहीं है। अभी सिग्नेचर दे सकते हैं ड्रू को, सिग्नेचर लगा के पिनफॉल करूंगा। रेफरी जल्दी आ, जिता दे यार प्लीज, किकआउट नहीं, अरे कर ही दिया यार। अच्छा कोई बात नहीं, फिनिशर है मेरे पास, टेंशन नहीं लेने का, ऐसे ड्रू के पास भी फिनिशर है, मेरी टेंशन बढ़ रही है। ड्रू रिवर्स नहीं ना करोगे? सच्ची बताओ, रिवर्स कर दिया ड्रू ने, ये अच्छा नहीं मेरी सेहत के लिए, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ड्रू मैकइंटायर करना क्या चाह रहे हैं? ड्रू के पास एक सिग्नेचर भी आ गया है, क्यों ड्रू, नॉर्मली खत्म नहीं हो सकता ये मैच? फिनिशर रिवर्स नहीं करना, बढ़िया। रेफरी इस बार डेफिनेटली पिनफॉल होगा अगर ढंग से करेगा भाई। तू टेबल भी तोड़ा है, 1, 2, 3, 3, 3, 3 क्यों नहीं होता है भाई? 3 में ये लोग काउंटिंग भूल जाते हैं क्या? ड्रू ने किक आउट कर दिया है, ओह ड्रू। मैंडी रोज पूरा तमाशा देख रही है मेरा। अच्छा ड्रू ने रेजिलेंस यूज किया, अच्छा तब ठीक है भाई, चलो वो सही है, रेजिलेंस यूज किया तब ठीक है। मैंडी रोज को लग रहा है कि रॉकी हार जाएगा, बदला तो नहीं लिया ना मैंडी, इतना तो पिटवा दिया मेरे को, डर्टी पिन करके देख रहा हूं भाई शायद हो जाए। 1, 2, 3 कर जल्दी, 2, रेफरी ने देख लिया भाई, डर्टी पिन करते हुए रोप का सहारा लेके पिनफॉल नहीं कर सकते हो आप, रेफरी ने देख लिया, रेफरी से छुप के ये काम करना चाहिए था। 3 होते होते रह जा रहा है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैं मैच हारने वाला हूँ। ये 3 होते होते जब रह जाता है ना, तब कुछ कांड होने वाला रहता है। सिग्नेचर आ चुका मेरे पास, ड्रू रिवर्स नहीं करना प्लीज, बस छीन लिया ड्रू ने सिग्नेचर, छीन लिया भाई। ड्रू के पास 2 फिनिशर्स, 2 क्लेमोर किक है ड्रू मैकइंटायर के पास, मेरे पास ऐसे फिनिशर आने वाला है, बस ले देखिए, स्लिंग ब्लेड ही है भाई अपना, जो कि हमेशा काम आता है। फिनिशर आ चुका है, ड्रू को टैप आउट करवाया जाए क्या? आइडिया से वो भी बुरा नहीं है, लेकिन ड्रू मैकइंटायर पता चला रेजिलेंस यूज कर लेंगे इस बार तो पक्का भाई, अब गारंटी में देता हूं, ये चौथा स्पीयर है शायद या तीसरा स्पीयर है, जो भी है। रेफरी अब हो जाना चाहिए यार पिनफॉल, 2, अरे 3 बोलना जल्दी, हाँ
टेंशन दे देता है यार रेफरी। तो लड़की को तो जाने से रोक नहीं पाए रॉकी, लेकिन WWE चैंपियनशिप को रोक ली है थैंक्स टू मी। लेकिन मैंडी रोज ने पूरी कोशिश की थी, ऐसा नहीं है, ब्रॉन स्ट्रोमन को बुलाया, खुद भी अटैक किया, मेरी हेल्थ मिनिमम कर दी, लेकिन लास्ट में रॉकी जीता। पर मैंडी रोज ने भी अटैक करके तो बदला ले ही लिया ना। चलो ठीक है, स्कोर सेटल करते हैं, मैंडी जाने दो, अब माफ कर दो, हो जाती है गलती, मैंडी अभी भी गुस्सा है, ओके मेरे पीछे पड़ी हुई है जब तक मैं WWE चैंपियन बना रहूंगा। रॉकी बोल रहा है कि देखो जाने दो सब कुछ, लेकिन मैंडी रोज अभी भी गुस्सा है क्योंकि वुमेन्स लॉकर रूम में सारी लड़कियों से बात कर रहा था रॉकी और सबके साथ चक्कर चल रहा था एक पॉइंट पे, तो चापलूसी का शहद लगा रहा है भाई रॉकी, बोल रहा है कि तुम बहुत ही अट्रैक्टिव GM हो, लेकिन चापलूसी का कोई फायदा नहीं। एक आइडिया दे रहा है अरे यार क्या आइडिया है यार, ये ट्रिपल थ्रेट मैच का आइडिया दिया है ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ WWE चैंपियनशिप मैच के लिए, ठीक है अगर मैं ये मैच जीतता हूं तो मैंडी रोज मेरा पीछा छोड़ देंगी, मुझे माफ कर देंगी और जाने देंगी, लेकिन अगर मैं ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन को हरा देता हूं तो, जो कि मैंडी रोज को यकीन है मैं नहीं हरा पाऊंगा, तो मैंडी रोज गुस्सा ना रहे उसके लिए मुझे हराना होगा ब्रॉन स्ट्रोमन और ड्रू मैकइंटायर को ट्रिपल थ्रेट WWE चैंपियनशिप के मैच में। तो चलिए इसको कंटिन्यू किया जाए, पेबैक पेपरव्यू में हो रहा है भाई ट्रिपल थ्रेट मैच। अच्छा इस मैच में अगर मैं जीत जाता हूं तो मैंडी रोज फिर से गर्लफ्रेंड बनेगी क्या? नहीं मुझे नहीं लग रहा है यार, मैंडी रोज भड़की भी है बस गुस्सा थूक देंगी, यानी कि मेरे पीछे नहीं पड़ी रहेंगी और मतलब एक नॉर्मल GM जैसा बिहेव करेंगे, लेकिन गर्लफ्रेंड वापस तो नहीं बननी चाहिए। अभी रॉकी के दिल में पता है क्या चल रहा होगा, बेटा मन में लड्डू फूटा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है रॉकी, टेंशन मत लेना, सिर्फ इस पे ध्यान देना है, इस मैच में जीतना है क्योंकि ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन दोनों इस मैच में, और मेरा पिनफॉल या सबमिशन होना जरूरी नहीं है इस मैच में हारने के लिए। इस मैच में भी डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है क्योंकि ये ट्रिपल थ्रेट मैच है, देखते भाई कुछ जुगाड़ निकालते हैं जीतने के लिए, वरना हारना तो तय है। देखो कैमरामैन कितना पीछे, कैमरामैन थोड़ा सामने आ जाया, जहां ट्रिपल थ्रेट और बैटल सोरवे जैसे मैचेस होते हैं ना, कैमरामैन अपने घर चला जाता है, थोड़ा सामने आ जा भाई, ये हार्ड कैमरा है, ये 2K ने एक नया इंट्रोड्यूस किया है, 1-on-1 मैच में मुझे बड़ा सही लगता है, लेकिन ये ट्रिपल थ्रेट मैच में ना, अब ठीक है इतना सामने रख भाई, दोनों मिलके मारेंगे मेरे को, मैंडी रोज ने दोनों को काम पे लगाया है मुझे मारने के लिए, और ये WWE टाइटल मैच भी है, तो अगर इन दोनों में से किसी ने भी पिनफॉल करवा लिया या सबमिशन तो दोनों जीत जाएंगे, जो कि मैं होने दूंगा नहीं, और मैंडी रोज मुझसे भड़की हुई रहेंगी, यानी कि मुझे WWE टाइटल मैच भी नहीं मिलेगा आगे। मैं ये मैच में हारा तो मेरे पास स्मैकडाउन में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा, जिस भी मैच में ना एक से ज्यादा अपोनेंट है और सिर्फ एक अपोनेंट का पिनफॉल करवाना है तो सबमिशन ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, सामने वाला इन्वॉल्व हो यानी कि बचाने आए उससे पहले दूसरे अपोनेंट को जल्दी टैप आउट में करवा सकता हूँ, ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ठीक है फिनिशर बचा के रखते हैं, और लास्ट टाइम में जैसा सीन रहा वो तो लास्ट टाइम में ही पता चलेगा, फिलहाल दोनों की हेल्थ कम करनी जरूरी है क्योंकि पता नहीं है कि लास्ट टाइम में मेरे साथ कौन रहेगा, तो दोनों ही को पीटना जरूरी है। ब्रॉन स्ट्रोमन नीचे गए, अच्छा ऐसे स्टंट होके तो जाएंगे ना, अरे हाँ बहुत देर के लिए स्टंट होके जाते हैं, तब तक तो पिनफॉल आराम से हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक्चुअली छोटी सी नहीं बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं भी इतनी देर के लिए स्टंट होके नीचे जा सकता हूँ और ये लोग आपस में पिनफॉल या सबमिशन करवा सकते हैं, तो ये एक दिक्कत है। टेकडाउन पंचेस मारे जा रहे हैं, अरे आ जाओ ब्रॉन ऊपर मारो ड्रू मैकइंटायर को, लो खुद आए और सिग्नेचर भी खा लिया, बहुत बढ़िया ब्रॉन, चलो अच्छा ही है, मुझे तो नहीं ना पड़ा तो ये मुझे तो अच्छा ही लगा भाई। ड्रू मैकइंटायर को ये तीसरा मैच मिला है WWE चैंपियनशिप के लिए, भाई किसी को एक बार नहीं मिलता है, ड्रू के पास फिनिशर आ चुका है, ब्रॉन स्ट्रोमन पिनफॉल मत करवा लेना, मेरे टाइम में तो चार चार फिनिशर सर्वाइव कर गए हो, अब एक आध फिनिशर खा ही जाना प्लीज, मतलब सर्वाइव कर लेना पिनफॉल में, अरे ये तो अच्छा ही है, ये दोनों बाहर आ जाए मेरे लिए तो यही अच्छा है, हाँ टाइम वेस्ट करते रहो, बहुत बढ़िया। ये ड्रू मैकइंटायर को पता नहीं शिवस वाला शॉट किसने दिया है और मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता, ये लोग दोनों इनविजिबल है फिलहाल जब तक ड्रू का ये शॉट खत्म नहीं हो जाता, बहुत मार लिया ब्रॉन स्ट्रोमन को, मार पीट के बाहर फेंक दिया, मेरे पास एक और सिग्नेचर आ रहा है, सिग्नेचर फिनिशर बचा के रखना है इस मैच में, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने टेबल तोड़ा था ना ड्रू के ऊपर तो ड्रू का जल्दी पिनफॉल हो गया था, ब्रॉन स्ट्रोमन के आने से पहले मुझे टेबल तोड़ना होगा वरना ब्रॉन तोड़ने नहीं देंगे, ये देख लो हाथ पैर चलाना स्टार्ट कर दिया है, रुक जाओ 2 सेकंड, फिनिशर छीन लिया मेरा ड्रू मैकइंटायर ने, टेबल फिनिशर छीन लिया भाई, बहुत गलत आदत है, अब आपस में जाके पिनफॉल मत करवा लेना,
चलो ठीक है, सिग्नेचर आ गया है। ट्रू ट्रू ट्रू, मेरी तरफ देखना, ये सिग्नेचर था। बाहर वाला सिग्नेचर फिनिशर भी चेंज कर लिया है। अब रिवर्स करके दिखाओ, एक तो रिवर्स कर ही दिया था। चलो ड्रू मैकइंटायर की हेल्थ बहुत खत्म कर दी है, ड्रू मैकइंटायर आराम से टैप आउट कर देंगे। सिग्नेचर भी इन्हीं को दिया, फिनिशर भी इन्हीं को दिया, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन का ही पिनफॉल नहीं करवा ले भाई, वो भी एक टेंशन है। ब्रॉन ने अगर पिनफॉल करवा लिया ना भाई, इससे बड़ा मेरे साथ कांड नहीं होगा। रुकवा सिल्वरसल आ गया है, कुछ ही देर के लिए स्टंट, टेबल तोड़ने के बाद ना ज्यादा देर के लिए स्टंट होना चाहिए आदमी। टेबल टूटा यार, ये लॉजिक बनाना चाहिए था, लेकिन लॉजिक यहां हम लोग नहीं ढूंढ सकते। रूही मेरा आप टारगेट है फिलहाल। मेरी हेल्थ देखो भाई, देखो पर मेरी हेल्थ से मैच में उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग आपस में पिनफॉल सबमिशन करवा सकते हैं, यही तो दिक्कत है। चलो सिग्नेचर आ गया है और ड्रू मैकइंटायर भी आ रहे हैं। अगर मैं ब्रॉन स्ट्रोमन को नीचे फेंक दूं तो ड्रू मैकइंटायर का पिनफॉल करवा सकता हूं या सबमिशन। सिग्नेचर देना चाह रहा था लेकिन स्टैमिना खत्म हो गया था भाई। चलो अच्छा ये आपस में लड़ो, जो बचा उसको सिग्नेचर, किसको चिपकाया जाए, ज्यादा अच्छा आइडिया होगा ड्रू मैकइंटायर को सिग्नेचर लगाओ। बाहर मत फेंकना ड्रू को प्लीज। हाँ चलो अच्छा ही है, ब्रॉन स्ट्रोमन स्टैंडो के नीचे चले जाओ। ब्रॉन स्ट्रोमन नीचे नहीं जा सकते थे सर, जाओ जाओ नीचे जाओ स्टंट होके। हाँ फाइनली बड़ा अच्छा टाइम है भाई, जीत पक्की अपनी। ड्रू ने सबमिशन छीन लिया, सबमिशन देने जा रहा था, टैप आउट करवा देता। अब तो सिग्नेचर फिनिशर भी नहीं है मेरे पास, तो अब एक ही ऑप्शन है, ड्रू मैकइंटायर का फिनिशर या सिग्नेचर छीनना होगा। ड्रू मैकइंटायर कुछ दे भी नहीं रहे, क्लिमोर क्लिमोर फ्यूचर शॉक, हाँ जो भी, ये सिग्नेचर था नहीं, मुझे लगा हेड बट पहले वाले गेम में सिग्नेचर था, लेकिन इसमें सिग्नेचर नहीं था। सिग्नेचर आने दो ड्रू मैकइंटायर जल्दी से प्लीज, समझते नहीं है ड्रू मैकइंटायर। मैंडी रोज गुस्सा रहेगी हमेशा के लिए, मैंडी को बनाना है तो ये मैच जीतना है। सिग्नेचर आ गया, ड्रू मैकइंटायर की तरफ टारगेट नहीं था, धत तेरी की। ये सिग्नेचर है क्या, नहीं ये भी सिग्नेचर नहीं है। क्लेमोर की कोशिश कर रहे थे, अब तो गया भाई मैच। ब्रॉन स्ट्रोमन करवाएंगे पिनफॉल अपना और मैच हरवा देंगे। अरे जल्दी स्टंट खत्म हो जा, क्लेमोर के लिए। ब्रॉन स्ट्रोमन रिवर्स, गो फॉर रिवर्स, रिवर्स कर दो प्लीज, नहीं किया चलो, लेकिन आई थिंक किक आउट कर देंगे। फिलहाल मैच बचा हुआ है, अभी तक पिनफॉल हुआ नहीं, कैसे तो मेरे पास सिग्नेचर आ चुका है और एक और फिनिशर भी आने वाला है। वाह ये तो जीत अब कंफर्म करवा ले रहा हूं मैं, अगर ड्रू ने किसी तरह किकआउट भी कर दिया ना, एक और फिनिशर तैयार रहेगा। चलो एक सिग्नेचर लगा दिया है, ब्रॉन स्ट्रोमन नीचे, जीत कंफर्म है अपनी। ड्रू मैकइंटायर टैप आउट कर देंगे 110%। बस बस हो ही गया टैप आउट। मैंडी रोज अब नाराज मत रहना, मान जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो, गर्लफ्रेंड बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब पीछे मत पड़े रहना, ऐसे उल्टे सीधे मैचेस में मत डालना मुझे और इंटरफेयर मत करवाना किसी से। अभी भी रॉकी बना हुआ है, डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन और 24/7 चैंपियन। तो चलो देखते हैं अगला कौन सा टाइटल डिफेंड करना है। और एक और चैंपियनशिप बच गई है, रॉ टैग टीम चैंपियनशिप, उसको जीत लूं ना बस अपना काम हो जाएगा भाई मंडे नाइट रॉ में। चलो देखते हैं भाई कि रॉ टैग टीम चैंपियनशिप कैसे जीत सकते हैं, उसकी स्टोरी आई कि नहीं आई अभी तक। हाँ अभी तक मैं WWE चैंपियन बना हुआ हूँ और मैंडी रोज को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है रॉकी। मैंडी रोज ने मना कर दिया। रॉकी बोल रहा है ट्राई करना तो बनता था, सही बात है ट्राई करना बनता था, लेकिन मैंडी रोज से रिलेशनशिप खत्म हो गया है, जो कि अच्छा ही है। एक काम करते हैं ना, फेस सुपरस्टार बना जाए भाई, क्या बोलते हो, बहुत टाइम से हील सुपरस्टार बन गए, रॉकी नॉटी बॉय भी बन गया है, तो अब टाइम है गुड बॉय बनने का फिर से और फेस सुपरस्टार बनते हैं। लेकिन फेस सुपरस्टार बने ही कैसे, कुछ तो अच्छा कर्म करना पड़ेगा। अकीरा तोजावा को मुस्तफा ली और स्लैप जैक परेशान कर रहे हैं, तो अकीरा की मदद करूंगा तो मैं बन जाऊंगा फेस सुपरस्टार। चलो ठीक है, टैग टीम मैच में फाइट करना होगा, जीतना तो मुश्किल नहीं होने वाला है। जब ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन को हरा ही दिया है, तो मुस्तफा ली और स्लैप जैक को टैग टीम मैच में हराना मुश्किल तो नहीं होने वाला है, लेकिन फेस सुपरस्टार बनने के लिए कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा। जैसे हील सुपरस्टार हम लोग बने थे, याद है एंजेलो डॉकिंस पे अटैक करके, पीछे से अटैक कर दिया था बैकस्टेज में,
तो यहाँ पे कमजोरों की मदद करेगा रॉकी और बन जाएगा फिर सुपरस्टार। तो ठीक है, नॉटी बॉय से गुड बॉय बनने का सफर स्टार्ट हो रहा है और हम लोग स्मैकडाउन जाएंगे तो ऐसे भी फेस सुपरस्टार बन ही के जाएंगे, क्योंकि हील सुपरस्टार उसमें रोमन है, यूनिवर्सल चैंपियन भी है, तो अगर मैं फेस रहूंगा फेस वर्सेस हील ज्यादा मजा आएगा। ऐसे आप लोग कमेंट करके बताना स्मैकडाउन जाने से पहले फेस सुपरस्टार बना रहूंगा या फिर हील सुपरस्टार बन जाऊंगा, क्योंकि स्मैकडाउन में ऑलरेडी हील सुपरस्टार है रोमन जिनकी चैंपियनशिप मुझे छीननी है, यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और उसोस आई थिंक शायद टैग टीम चैंपियन होंगे, शायद, मुझे पता नहीं अभी स्टोरी मोड के अंदर वो लोग है या नहीं चैंपियन। एयर अटैक मुझे अपना बढ़ाना पड़ेगा एट्रीब्यूट्स में, क्योंकि देखा मिस कर गया था अभी। चलो कोई बात नहीं, अपग्रेड कर लेंगे सब स्मैकडाउन में जाने से पहले, अभी अपग्रेड करने की ऐसी कोई खास जल्दी नहीं है मेरे पास। अभी फिलहाल कोई डिफिकल्ट मैच सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ये मैच जीतना है फेस सुपरस्टार बनने के लिए। अगर मैं सच बताऊं ना तो हील सुपरस्टार बन के मजा बढ़ा रहा था, उल्टे सीधे काम कर रहा था भाई रॉकी, जो कि उम्मीद नहीं कर रहे थे हम लोग, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही कांड कर रहा था रॉकी। लेकिन अब फेस सुपरस्टार बनने की बात वही है, सब मेरे ऊपर अटैक करेंगे। चलो इस मैच के बाद देखते हैं, स्लैपजैक को टैग मिल गया है, स्लैपजैक भी निकल गया ना WWE से, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कॉमेंट करके बताना मुझे, आई थिंक निकल गया WWE से, नजर तो नहीं आता भाई आजकल कहीं, भाई यानी कि अगले साल गेम में नहीं रहेगा। अच्छा ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भूलने में, अभी अभी एक ही गेम में आया था, अगर नहीं है WWE में भाई तो अगले गेम में नहीं रहने वाला है ये। अकीरा तोजावा बच्चे को परेशान करता है, उसको मैं टैग भी नहीं दूंगा, भले मुझे 2-on-1 मैच क्यों नहीं करना पड़े, 2-on-1 हैंडीकैप मैच में भी फाइट करेगा रॉकी, लेकिन अकीरा को मैं टैग नहीं दूंगा। अकीरा भाई तू आराम कर, बचाने आ गया रॉकी। इन लोग को तो एक फिनिशर में आई थिंक पिनफॉल हो जाना चाहिए, अब ये लोग ब्रॉन स्ट्रोमन और ड्रू मैकइंटायर तो है नहीं, स्लैपजैक का तो आई थिंक हो ही जाना चाहिए, नहीं स्लैपजैक अगर मेरी 3-4 फिनिशर खा लेगा भाई तो फिर मुझे लगता है कि अपना ओवरऑल 100 करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 91 है पहले ही से, मतलब अब अपग्रेड कर लिया है क्योंकि चैंपियन भी बनी है ना रॉकी, अगर टाइटल चल जाए तो शायद पॉइंट्स कम हो जाएंगे, शायद मुझे पता नहीं। अब ये पीटेगा भाई, स्टंट है ना, पूरा मारूंगा इसको, बच्चे को सताता है। अकीरा की शक्ल देखो कितना मासूम है, अकीरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रॉकी भाई मदद करेगा, वो अलग बात है कि अकीरा ने 24/7 चैंपियनशिप मेरे से छीनने की कोशिश की थी, मैं भूल गया था लेकिन अभी याद आ गया मुझे, लास्ट एपिसोड में अकीरा ने मिस्टर मिकमैन की आवाज निकाल के मुझे बुलाया था मैंडी रोज के साथ सेटिंग करके, और मेरी 24/7 चैंपियनशिप छीनने की कोशिश की थी, अभी याद आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है, वो 24/7 टाइटल के लिए किया था ना, यानी कि अकीरा जितनी मासूम शक्ल बना के खड़ा हुआ है ना उतना भोला नहीं है अकीरा, पर ठीक है मदद करेगा रॉकी, फिर सुपरस्टार भी तो बनना है ना, एक बार ऐसे सुप्लेक्स देके पिनफॉल करवा के देखूं, स्लैपजैक की हेल्थ ऑलमोस्ट खत्म है, होगा नहीं फिर भी ट्राई कर लेते हैं, अगर अली नहीं भी बचाते तब भी पिनफॉल होता नहीं, अली को नीचे फेंक दिया है भाई, ये टैप आउट कर देगा, ये टैप आउट कर देगा, बस रोप ब्रेक मत होना, अरे हल्का सा हाथ इसका आगे नहीं न जाता, रेफरी पिनफॉल तो हो ही सकता है, इतना तो बनता है, पता नहीं 1-2 और क्या क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आया, मैच जीत गया मैं, लेकिन 2 भी बोला 1 भी बोला, पता नहीं क्या था, जो भी था हम लोग जीत गए, ग्लिच हुआ क्या पहले 2 लिखा है फिर 1 लिखा है उसके बाद 3 लिखा है, पता नहीं जो भी था, लेकिन अपन फेस सुपरस्टार बन गए जो कि गुड न्यूज है, और अब रॉकी शराफत वाले काम करेगा, ये देखो फेस सुपरस्टार बन गया भाई, स्टोरीज अब नई नई आ गई होगी क्योंकि मैं फेस सुपरस्टार बन गया हूँ, अली को अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने दूसरे के कामों में टांग अड़ाया, कोई बात नहीं अली फेस सुपरस्टार बनना था ना मुझे, ये हम्बर्टो वाली एक स्टोरी है, शायद ये टैग टीम वाली स्टोरी हो, पता नहीं इसको अभी नहीं देखेंगे। मैंडी रोज ने मैसेज किया, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है मेरे US टाइटल को लेकर, क्या है बताओ तो क्या है, पूरी बात नहीं बताती, अरे एक्सेप्ट करूंगा उसके बाद बताएंगे, ठीक है अब बताओ क्या बात है, कुछ अच्छी न्यूज देना, 6-man बैटल रॉयल, मतलब ये गुड न्यूज है, मुझे तो नहीं लगा, वही ना रॉकी भी वही पूछ रहा है कि ये यूनिक अपॉर्चुनिटी कहां से है, मतलब ये अभी भी मैंडी रोज बदला ले रही है क्या मेरे साथ, यार 6-man बैटल रॉयल मैच में डाल दिया है और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच हो रहा है, तो US चैंपियन भी रॉकी है, ये देख लो भाई 3-3 टाइटल है मेरे पास, एक और बस आ जाए ना काम हो जाएगा रॉ का, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, रॉ के सारे मेल टाइटल्स जीत लिए,
अभी पांच और लोगों से डिफेंड करना है ये टाइटल, वो भी बैटर ऑल मैच है, यानी जीतने के लिए समझ रहे हो ना क्या करना है, पांचों को रिंग के बाहर फेंकना है टॉप रोप से, तो उतना भी मुश्किल नहीं है लेकिन इतना भी आसान नहीं होने वाला है। रिकोशे भी है, टोमासो भी है। अच्छा, इसमें यूनिक अपॉर्चुनिटी ये थी, ये मैं बताना भूल गया कि सारे यूएस चैंपियन लोग साथ मैच हो रहा है, मतलब मेरे लिए तो कोई यूनिक बात नहीं थी, लेकिन ठीक है चलो ये भी सह लेंगे। मैंडी रोज बदला लिए जा रही है अभी भी, समो जो मेरी तरफ क्यों हो, पकड़ो ना अपना जाके, रिकोशे को पकड़ लेते, लेकिन नहीं, एमवीपी बाहर, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो रिकोशे भी बाहर, अरे रिकोशे ने टोमासो को बाहर कर दिया, हाँ बहुत अच्छा। मैच शुरू होते के साथ खत्म होने वाला है, चार ही आदमी बच गए, मेरा टारगेट समोजो को पकड़ लो। चलो मैच तो आधा कर ही दिया है, बस बाहर नहीं जाना है भाई, जानते हो ना रॉ रंबल और बैटल रॉयल जैसे मैचेस में मेरा लग काम नहीं आता है, लेकिन क्योंकि सवाल रॉकी की चैंपियनशिप का है तो हारेगा नहीं रॉकी। क्लोज लाइन वाली हरकत मैं नहीं करूंगा जब तक अपोनेंट स्टंट नहीं हो, क्योंकि क्लोज लाइन अगर रिवर्स होता है तो मैं बाहर हो जाऊंगा, तो वो हरकत मुझे नहीं करनी है। तो मासो के साथ क्या हुआ था, देखा ना मेरे यूएस टाइटल पे इन तीनों की नजर है, ना ना ना, जब तक रॉकी रॉ से नहीं जाएगा तब तक कोई टाइटल की तरफ देखना मत। रॉ टैग टीम टाइटल जीतना है तो जाके जीत सकते हो, क्योंकि मुझे पता नहीं रॉ टैग टीम टाइटल किसके पास है, किन दो लोगों के पास है, शायद आरके ब्रो के पास है शायद। यार मुझे रॉ टैग टीम चैंपियन बनना है भाई, उसके बाद ही मैं रॉ छोड़ूंगा, देख लेते हैं, आज कोशिश करते हैं रॉ टैग टीम चैंपियन बनी जाए, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जाया जाएगा। चलो समोजो का टाटा, मेरा एक फिनिशर भी गया, लेकिन समोजो भी गए साथ में, ये मेरा फिनिशर रॉ रंबल में या फिर बैटल रॉयल में, जॉन सीना का एटीट्यूड एडजस्टमेंट। फाइनल तीन लोग बचे हैं, रॉबर्ट रूड के पास एक सिग्नेचर है, अगर सिग्नेचर छीन लो ना तो क्या ही मजे हैं, फिर ऐसे बाहर जा सकते, अरे रिवर्स करना जरूरी रहता है, बाहर करने की कोशिश, ना ना ना, ना। रॉकी बाहर नहीं जाने वाला है, रिकोशे रॉबर्ट रूड को मारना चाहिए, मैं भी फेस सुपरस्टार, तू भी फेस सुपरस्टार भाई, रॉबर्ट रूड हील सुपरस्टार है, लेकिन रिकोशे को यहां भी चैंपियन बनना है, असली WWE में आईसी चैंपियन बने हुए उससे दिल नहीं खुश हो रहा है, यहां भी चैंपियनशिप छीननी है मेरी। सिग्नेचर खाओ, बाहर जाओ। रॉबर्ट रूड अगर नहीं आते तो अभी कुछ देर और बचते, रिकोशे को स्टंट किया जा सकता है, रिकोशे को स्टंट कर दूं तो आराम से बाहर, क्या भाई अगर रॉबर्ट रूड बीच में नहीं आते हैं मैं बाहर कर दूंगा, बस बीच में मत आना, घुसे लात मत चलाना। चलो ठीक है, रिकोशे गया टाटा, हाँ अरे ये तो अपने आप जाने वाले हैं, स्टाइल मार रहे हैं चलते मैच के दौरान, बहुत बड़ी गलती, स्टंट हो जाओ और बाहर जाओ, यूएस टाइटल चाहिए, जब तक रॉकी चैंपियन है कोई नहीं बन सकता चैंपियन। टाटा बैटल रॉयल या रॉयल रंबल में जीतना इतना आसान है ना, अगर आप अपना फिनिशर लगा दो तो फिर सामने वाला बेचारा कुछ नहीं कर सकता है बाहर जाने के अलावा। चलो जीत तो अपनी ही थी, कुछ होने वाला है, कोई अटैक करने आने वाला है या कोई चैलेंज करने आने वाला है, कट सीन दिखाता है यानी कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ, फिर सुपरस्टार भी तो बन गया हो ना। हाँ पीछे से डॉल्फ ज़िगलर, रॉबर्ट रूड के टैग टीम पार्टनर, क्यों मारा, टाइटल चाहिए, टाइटल चाहिए भाई साहब को, देता हूँ मैं, देता हूँ खर्चा पानी के साथ, टाइटल भी दूंगा, ये नहीं करना चाहिए था डॉल्फ ज़िगलर, कुछ भी करने का था, रॉकी की ईगो को हट नहीं करने का था, मार लो मार लो, स्टाइल मार लो, कुछ देर में बताता हूँ मैं। मैच चाहिए था ऐसे भी मांग सकते थे, लेकिन नहीं, अटैक करके मैच मांगना था, ये अच्छा स्टाइल था। चवन्नी मुस्कान देते हुए जा रहे हैं, छोड़ेगा नहीं रॉकी, मैच दे दो यार, ऑफिशियल कर दो WWE। ओहो, तो क्योंकि ये यूएस चैंपियन है और इनको नहीं रखा गया बैटल रॉयल में तो ये गुस्सा हो गए, ठीक है। रॉकी का फुल अटेंशन है डॉल्फ ज़िगलर के ऊपर, टाइटल मैच चाहिए, पहले मांग लेते, अच्छा किंग रिकोशे को पहले मैच दिया जा रहा है, उसके बाद फिर डॉल्फ ज़िगलर को मैच दिया जाएगा, और डॉल्फ का मजाक भी उड़ा दिया है, डॉल्फ ने मेरे को ब्लॉक कर दिया भाई सोशल मीडिया पर। चलो ठीक है, रिकोशे के साथ मैच किया जाए, रिकोशे के साथ मैच होने वाला है यूएस चैंपियनशिप के लिए,
उसके बाद होगा फिर डॉल्फ ज़िगलर के साथ मैच यूएस टाइटल के लिए। तो डॉल्फ ज़िगलर भी फॉर्मर यूएस चैंपियन थे और उनको बैटर रोल में नहीं रखा गया, इसलिए गुस्से में यार उन्होंने अटैक कर दिया रॉकी पे। रॉकी कुछ बोलने जा रहा है, सुनते भाई क्या बोलने जा रहा है। You all saw what happened last week when Dolph Ziggler attacked me after the US Champions Battle Royal. I guess he was a little upset he wasn't included and feeling overlooked in general. So, I promised Dolph that I'd come out here tonight and recognize some of the amazing moments from his career. So, let's start at the beginning, where Dolph proved he was special from day one, debuting in WWE as a preppy-looking golf caddy. How could anyone ever overlook that? Not wanting to become too big of a star too fast, Dolph then decided to become a male cheerleader. He truly was a show-off of both versatility and spirit. Dolph ki beizzati ho rahi hai. After those two stints were so overwhelmingly successful, Dolph again didn't want to outshine his fellow superstars, so he decided to go back to developmental to come up with another amazing persona and give back to future superstars. After this hiatus, Dolph would return and continue to annoy, I mean entertain, the WWE universe for the past decade and a half, even trying his hand at stand-up comedy in front of as many as 20 to 30 people. Speaking of jokes, I think that's about enough of that. Now I'm going to tell you the truth about Dolph Ziggler. He's not given the credit he thinks he deserves because he has no identity. A caddy, a cheerleader, a stand-up comedian. How can he be recognized if he can't even recognize himself? But here's the thing. I know who I am. And that's the United States champion who will kick anyone's ass who gets in my way. So, Dolph, after I'm through with my match tonight, you won't be overlooked. You'll just be next. Oh, bhai, ye Bill Goldberg wali baatein kyun kar raha hai? Next Rex Rant bol Rocky, kahin Bill Goldberg return nahi aa jaye. ऐसे अभी तो फिर सुपरस्टार हूं तो बिल गोल्डबर्ग को तो नहीं आना चाहिए। डॉल्फ ज़िगलर की भर की बेइज्जती की है रिकोशे को हराने के बाद। उसके बाद डॉल्फ ज़िगलर के साथ मैच होगा यूएस चैंपियनशिप के लिए और ये भी यूएस टाइटल मैच है। तो रॉकी मैंने 3 मेल चैंपियनशिप जीत ली है तो इतने सारे टाइटल जीत के मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन फिर उसका नुकसान ये है कि मेरे ज्यादातर सभी मैचेस टाइटल मैच हो रहे हैं या फिर मेरी जितनी भी स्टोरीज है उसमें सभी मेरा टाइटल छीनना चाह रहे हैं। अभी जो देखो स्टोरी खत्म की एक जिसमें WWE टाइटल छीनना चाह रहे थे ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन भी लास्ट मैच में, और अभी देख लो कोई बात नहीं रॉकी। अरे ये क्या हुआ, अंडरटेकर आ गए क्या? कोई आया है, डॉल्फ ज़िगलर आया शायद, आया मेरे पीछे होगा यार, यहाँ नहीं है तो पीछे होगा, पीछे भी नहीं है, माइंड गेम्स खेल रहा है मेरे साथ। और रिकोशे को एक फिनिशर मिल गया फ्री का, क्या ये फुल टू चीटिंग है? ये 619 देने जा रहे क्या? और स्टाइल मारो रिकोशे। रिकोशे को मैं अच्छा आदमी समझता था, मजे ले रहा है यार रिकोशे। एक बार सिर्फ मुझे रॉ टैग टीम चैंपियनशिप जीतने दो, उसके बाद भाई मैं बांट के जाऊंगा सारे टाइटल, आपस में लड़ना और जीत लेना। रिकोशे के पास जो एक फिनिशर फ्रीक आया है ना, अगर मैं छीन लूं तो कैसा रहेगा भाई? अच्छा ही है, मैच जल्दी खत्म होगा। इसके बाद डॉल्फ भी इंतजार कर रहे हैं। रिकोशे फिनिशर क्या है जो लगाओ ना, देख लूंगा मैं कोई अच्छा वाला फिनिशर देना चुन के, मुझे अभी याद नहीं आ रहा फिनिशर क्या है। फेस बस्टर था क्या था रिकोशे का, जो भी फिनिशर था अभी तो याद नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन मैं कोशिश करूं भाई रिवर्स करने का और छीन लेने का रिकोशे का फिनिशर। ऐसे मेरे पास भी आ ही गया, जरूरत नहीं है। और रिकोशे एक दो फिनिशर सर्वाइव नहीं करने वाले जहां तक मुझे लग रहा है। डॉल्फ ज़िगलर अभी और देखो क्या चीटिंग करने वाले इस मैच में, मैं वेट ही कर रहा हूं। ये फिनिशर है रिकोशे का, नहीं फिनिशर नहीं था रिकोशे, सिग्नेचर खाने के लिए तैयार। ओ छीन लिया मेरा सिग्नेचर, दो दो फिनिशर आ गया भाई। रिकोशे तो यार डेंजरस आदमी निकला भाई, दो दो फिनिशर जमा कर लिए रिकोशे ने। रिकोशे समझ नहीं है इस मैच पर डॉल्फ का भी हिसाब चुकता करना है। फिर सुपरस्टार बनने के बाद ना सब अटैक करने लगते भाई, ऐसे हील सुपरस्टार बना हो तो कौन सब छोड़ रहे थे, लेकिन फेस सुपरस्टार बनने के बाद ना ज्यादा अटैक्स होते हैं, ये नोटिस किया आप लोगों ने? अभी देख लेते हैं, अभी फर्स्ट अटैक हो गया है फेस सुपरस्टार बनने के जस्ट पहले मैच में। दो दो फिनिशर जमा करके रख लिया है, अरे भाई एक दे दे यार,
एक सिग्नेचर भी है रिकोशे के पास। ऐसा उछल के पंच मारूंगा ना रिकोशे के सर में, देखना फिनिशर आ जाएगा मेरे पास। आया नहीं, बस बस आने ही वाला है। रिकोशे के साथ ऐसा क्या करूं कि मेरा फिनिशर जल्दी आ जाए। ये भी रिवर्स कर दिया, ओहो फंसा के पिनफॉल, वन भी नहीं हुआ रिकोशे। अभी कैसा लगता है इसमें पिनफॉल हो जाता तो रिकोशे का यार मुंह बन जाता। किस्मत अच्छी थी, बची है भाई। मेरी हेल्थ एक बार देखो, रॉकी पे अटैक होने के बाद ना रॉकी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। चलो फिनिशर खाने के लिए तैयार हो, एक फिनिशर तो सरवाइव नहीं करने चाहिए रिकोशे। फिनिशर रिकोशे को दे देना चाहिए था अभी तक। नहीं, पता नहीं क्या क्या टाइम पास कर रहे मेरे साथ। अरे कितना रिवर्स करता है यार ये। फिनिशर देते, काम खत्म करते, और अगर किक आउट किया तो मेरे पास सिग्नेचर भी आ ही गया, जो कि नहीं करना चाहिए किक आउट, या कर भी सकते कोई ठीक नहीं भाई, कर देंगे किक आउट। पिनफॉल कराने से अच्छा भी मारते हैं और, ताकि सिग्नेचर तो आ जाए कम से कम। एक दो लात में सिग्नेचर आ जाएगा, अब पिनफॉल हो जाएगा। प्लीज हो जाना रिकोशे, तीन चार फिनिशर सरवाइव मत करना प्लीज। मैंडिबल क्लॉ देने जा रहा था, रिवर्स कर दिया है रिकोशे ने, नाक में दम कर दिया रिकोशे ने भाई। जाके कैसे तो पिनफॉल नहीं किया, पिटेगा रिकोशे। दो दो तीन तीन फिनिशर छीन लिया यार, जबरदस्ती मैच को लंबा किया जा रहा है। इसके बाद तो डॉल्फ के साथ मैच ही नहीं हो पाएगा अगर रिकोशे जीत गया तो। जीतने वाला है नहीं, मैच को बस लंबा किया जा रहा है भाई। नहीं होगा पिनफॉल, ट्राई कर रहा था, कभी कभी फंसा के पिनफॉल हो जाता है, लेकिन और अच्छे से फंसाना पड़ेगा। कुछ चलने ही नहीं दे रहा रिकोशे, क्यों ऐसे कर रहा है भाई, समझता नहीं बदला लेना है। डॉल्फ वेट कर रहे हैं मेरा, इस मैच के बाद उनकी भी खुजली मिटानी है मार खाने की। दो दो फिनिशर एक लगाते क्यों नहीं रिकोशे, ये फिनिशर ही लगा रहे थे क्या, ये पता नहीं क्या था। नहीं ये सिग्नेचर भी नहीं, फिनिशर भी नहीं, जो भी था। ऐसा टाटा करवाऊंगा ना इस बार। अरे फिर फिनिशर छीन लिया भाई, ये क्या आदमी है यार। चलो कोई बात नहीं, सिग्नेचर आने वाला है मेरे पास, लेकिन बात तो है इस बार मेरा सिग्नेचर छीना ना रिकोशे ने, पक्का इसके ऊपर टेबल तोड़ूंगा भाई। बाहर टेबल इंतजार कर रहा है, खैर की नहीं छीना, रेफरी पिनफॉल हो जाएगा, बहुत पिट गया रिकोशे। वन टू थ्री, और स्टिल यूएस चैंपियन रॉकी ही है। अब डॉल्स को जाके पीटना है भाई, अटैक का बदला भी तो लेना है ना। चलो ठीक है रेफरी, बेल्ट दे भाई, सारे बेल्ट्स मेरे पास ही रहेंगे यार। इसमें भी ना टाइटल यूनिफिकेशन मैच होना चाहिए था, मैं रोमन के साथ जाता मैच करने, कितना मजा आता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आई थिंक 2K23 में ऐसा कुछ रहेगा। डॉल्फ ज़िगलर अभी भी उम्मीद है यूएस चैंपियन बनोगे, मुझे अनब्लॉक किया मैसेज करने के लिए कि ये नेक्स्ट यूएस चैंपियन है, फिर से ब्लॉक कर दिया। चलो सही है, सपने देखते रहो। मैंडी रोज ने बता दिया है कि यूएस चैंपियनशिप का मैच होने जा रहा है डॉल्फ ज़िगलर के साथ, डॉल्फ ज़िगलर को पीटने में मजा आएगा। The following contest is scheduled for one fall and is for the WWE United States Championship. सारे बेल्ट लेके अगर मैं एक साथ आता ना तो एक यार अलग ही फीलिंग आती, लेकिन कोई बात नहीं, जिस भी टाइटल का मैच रहता है ना वही टाइटल पहन के आता है, और अगर नॉन टाइटल मैच रहता तो एक भी टाइटल में पहन के नहीं आता। बस यही चीज मुझे माई करियर मोड में अच्छी नहीं लगी, ये 2K इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। डबल टाइटल ऐसे भी कोई नहीं लेके आता है, जैसे रोमन को अगर मैं डबल चैंपियन बना दूं या फिर ब्रॉक लेसनर किसी को भी, तो वो WWE और यूनिवर्सल टाइटल एक साथ लेके नहीं आते हैं। जीतने के बाद दोनों टाइटल दिखा सकते हैं, लेकिन जीतने के बाद दोनों टाइटल लेके एक साथ नहीं आते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। 2K को उसको इम्प्रूव करना चाहिए 2K23 में। भाई ये करियर मोड खत्म होते होते 2K23 आ जाएगा,
नहीं नहीं अगले साल आने वाला है भाई। Introducing the challenger from Hollywood, Florida, weighing in at 218 pounds, Dolph Ziggler. मार लो स्टाइल, अभी कुछ देर में तो मार खाने ही वाले हो, इतना तो बनता है। And introducing the champion from Mumbai, India, weighing in at 252 pounds. He is the WWE United States Champion. और इस मैच के बाद भी स्टिल द यूएस चैंपियन। तो किसी ने मुझसे बोला था भाई कमेंट करके कि जब आपका नाम अनाउंस होता है तो द सुपरस्टार क्यों बोलता है, रॉकी क्यों नहीं बोलता है? तो रॉकी नहीं बोल सकता भाई, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। मतलब अपना कस्टम नाम कुछ भी रख सकते हो, रॉकी, पुष्पा, मतलब कोई भी नाम, अरमान भी रख सकते हो, लेकिन वो अनाउंस नहीं करेगा। वो अनाउंस द सुपरस्टार ही कर सकता है और दो चार और वर्ड्स हैं इंग्लिश के, वही सब अनाउंस कर सकता है, जैसे द डिफेंडर, द अटैकर, कुछ इस टाइप के वर्ड्स। इसलिए मेरा नाम रॉकी अनाउंस नहीं करता है। आई होप जिसने पूछा था भाई उसको जवाब मिल गया होगा। मैं कमेंट पढ़ने की देखो पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, सारे पढ़ना मुश्किल है भाई। लेकिन फिर भी जितने कमेंट्स मुझे दिखते हैं ऊपर में, सबको मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि आप लोग को इतना पसंद आ रहा है करियर मोड। इसलिए मुझे लगता है ना ये एपिसोड अभी तक का सबसे लंबा होने वाला है। एडिट करने के बाद भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये एपिसोड एटलीस्ट एक घंटे का हो जाएगा लगभग, और इतना लंबा अभी तक मैंने बनाया नहीं है। 50 मिनट तक कभी कोई एपिसोड इससे पहले नहीं बनाया है, तो ये तो 50 मिनट के ऊपर जाने वाला है जहां तक मुझे लग रहा है। भाई इतना लंबा एपिसोड अभी तक बनाया नहीं था, लेकिन आप लोग को इतना पसंद आ रहा है इसलिए मैं भी छोटा एपिसोड नहीं बना रहा हूँ। तो आप लोग कॉमेंट करके बताना कि इतना ही लंबा रखो एपिसोड या फिर इससे छोटा कर दो 30 या 40 मिनट तक का जैसे पहले था। डॉल्फ एक बार मारे तो मेरी हेल्थ चली जाए, मैं चार बार मारूं तब इनकी हेल्थ जा रही है। बदमाशी है सिर्फ और क्या। तो डॉल्फ कितना भी मार लो इस मैच में जीतने तो दूंगा नहीं मैं, चांस ही नहीं है। जब स्मैकडाउन जाऊंगा ना सारे टाइटल आपस में बांट लेना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अभी जब तक मेरे पास है अटैक मत करो, क्योंकि भले ही अटैक करके 5 मिनट के मजे ले लोगे लेकिन उसके बाद मैच में पिटोगे और टाइटल तो मैं नहीं देने जा रहा हूँ भाई। स्टोरी मोड में कुछ छीन ले तो अलग बात है, लेकिन ऐसे तो मैं नहीं देने जा रहा हूँ, कितना भी डिसएडवांटेज में क्यों ना रहूं। इसी के लिए तो माई करियर मोड में फाइट करते हैं भाई हम लोग, टाइटल के लिए, मेन टाइटल है और कुछ नहीं है मेन। परफॉर्मेंस सेंटर में 2 एपिसोड गुजार दिए थे इस दिन के लिए, नहीं कि मैं अपना टाइटल हार जाऊं। जॉन सर ने सिखा के भेजा है मेरे को और रोड डॉग ने भी, दोनों ने ट्रेन किया है। तो जिसने भी इससे पहले के सारे एपिसोड्स मिस कर दिए भाई तो देख लेना, प्लेलिस्ट बना दिया मैंने और ऐसे आपको सारे एपिसोड्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन सबको देख लेना। और जिसने देख लिया फिर तो मजे करो भाई, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करो। ये टाइटल नहीं हारू मैं भाई, रॉबर्ट रूड मदद करने आ सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉल्स की मदद रॉबर्ट रूड कर सकते हैं शायद। सिग्नेचर आ गया डॉल्स के पास, सिग्नेचर क्या है इसका, सुपर किक, ज़िगज़ैग, पता नहीं, जो भी ये देख लेंगे भाई। अभी सिग्नेचर जब आ ही गया तो लगा ही डालो, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अपना सिग्नेचर नहीं दिया लेकिन मैं अपना फिनिशर जरूर दूंगा। थोड़ी सी जो हेल्थ बची है ना डॉल्स की, उसको खत्म करने के बाद अगर फिनिशर लगाऊं ना तो ज्यादा फायदा है। रिवर्स मत करना, दूसरा फिनिशर भी आने ही वाला है, तो अगर एक रिवर्स भी कर देते या किकआउट भी कर देते किसी तरह तभी हम लोग सेफ ही रहेंगे। चलो लगाया जाए फिनिशर, सुपरमैन पंच, उसके बाद स्पीयर, रिवर्स मत करना, बस ये जो हरकत कर देते हो ना डॉल्फ, इनका भी फिनिशर मैंने छीन लिया है। आई थिंक फिनिशर छीना, ज़िगज़ैग देने जा रहे थे ना, अभी भी सिग्नेचर है डॉल्फ के पास, सुपर किक लगा दिया। अच्छा सिग्नेचर सुपर किक था, कोई बात नहीं, मेरे पास फिनिशर और सिग्नेचर दोनों आने वाला है। पिटने के लिए तैयार, बस इनका मैच खत्म है भाई। अब ड्रू मैकइंटायर तो है नहीं कि 2-3 सिग्नेचर फिनिशर सरवाइव करे आएंगे, उम्मीद कम ही है। मुझे तो लगता है सिग्नेचर ही में चले जाएंगे, लेकिन रिस्क ना लेते हुए फिनिशर लगाएंगे और खत्म करेंगे मैटर। अब तो रिवर्स भी नहीं कर सकते, इतनी आसानी से नहीं हराऊंगा इनको, मजे लेने थे ना, लगातार 2 फिनिशर दूंगा भाई। स्टंट हो गए ना, एक और फिनिशर,
मजे लेने थे अटैक करके मेरे ऊपर। दोबारा सोच के अटैक करना, किस पे कर रहे हो? टैप आउट करने के लिए तैयार? चलो भाई टैप आउट तो करना ही पड़ेगा, बस रोप ब्रेक ना हो। टैप आउट तो करना ही था, चांस ही नहीं था बचे। अगली बार से ध्यान रखना डॉल्फ किस पे अटैक कर रहे हो, क्योंकि रॉकी तो हारने वाला है नहीं। टाइटल दे भाई, सिर्फ रॉ टैग टीम चैंपियनशिप जीतनी है भाई, रॉ में सारे काम खत्म। रॉ में मुझे अभी ये भी देखना है कि और कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बची है क्या, उसमें हो सकता है टाइटल इन्वॉल्व नहीं हो, जैसे केन वाली स्टोरी थी। डॉल्फ अभी भी नहीं सुधरे हैं, बोल रहे हैं कि 10 बार में से मुझे 9 बार हरा देंगे, इस बार मेरा लक अच्छा था। ओके, मेरे पास ऑप्शन है एक और मैच चुनने का, 2 out of 3 falls या फिर आयरन मैन मैच। तो 2 out of 3 falls में 2 बार पिनफॉल या सबमिशन करना होगा, उससे अच्छा है ना 15 मिनट का आयरन मैन मैच हो जाए, मजा आएगा तब। तो ठीक है भाई, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, जहां मैं डॉल्फ को फेस करूंगा आयरन मैन मैच में यूएस टाइटल के लिए, और रॉ में हो सकता है तब खत्म हो जाए सारे काम और हम लोग जाएं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। और आप लोग जाने से पहले वीडियो लाइक कर लेना भाई, और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन साथ ही साथ दबा लेना, और मैं मिलूंगा आप लोग से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।